अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आपने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट ईच लिमिट्स बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। आपने थ्योरम जो पढ़े थे लिमिट के मास, उनकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका पार्ट 2 मैंने दिया है, इसके लिमिट x वर्सेस टू 1 3x के माइनस 2x प्लस 4। आपके लिए आप थ्योरम ऑफ लिमिट अप्लाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। ये क्या है, ये एक टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई, तीसरी टर्म आ गई, तो क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गया ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट टाइम क्या रहेगा, तीनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x के माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, आपने थ्योरम पढ़ा के अगर इस तरह लिखा हो लिमिट x अप्रोचेस टू k f(x), तो आप क्या करते हैं k को शून्य ले आते हैं, बस आप इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज क्या है, ये कॉन्स्टेंट नंबर है। आप इस चीज को क्या करेंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, क्या देगा 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स के माइनस, यहाँ से टू स्टार्ट में आ जाएगा, आगे क्या रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x से रह जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4 आ गया। अब लिमिट यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्या देगा 1 का स्केयर माइनस 2, क्या देगा 1 प्लस, ये 4 ऐसे ही आ गया, ये 4 ऐसे ही आ गई, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स तो आएगी जिसके लिए लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं हो, ये सिंपल 4 ऐसे ही आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 आ गया, 3 माइनस 2 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, 5 इसका आंसर आ गया। ये आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर है 5, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स में प्लस 5, इसलिए आप लिमिट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, फिर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपने सिंपल क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 1 और क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5, क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, यह आ जाएगा 9 अंडर रूट, यह आ जाएगा 9 अंडर रूट, दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ये 0 आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला, इसमें हम क्या करेंगे लिमिट ऊपर के अप्लाई कर देंगे, नीचे की अप्लाई कर देंगे अलग अलग और वैल्यूज बुक कर देंगे। लेकिन एक बात तो आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने देखना है ना फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो आपने पहले चेक करना है कि लिमिट बुक करने से क्या 0 और 0 फॉर्म तो नहीं बनती, यानी ऐसा तो नहीं हो रहा कि ऊपर भी 0 आ गया नीचे भी 0 आ गया, या ऊपर भी इन्फिनिटी आ गया और नीचे भी इन्फिनिटी आ गया, ऐसी अगर फॉर्म आ जाए कहीं पर
फट से यहाँ पे मैंने माइनस टू पुट किया है ऊपर में नीचे, उसका आंसर यहाँ पे जीरो पर जीरो आया या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ गया, तो हम लिमिट टूट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अलजेब्रिक टेक्निक्स की मदद से। वो सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद लिमिट टूट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर टू होगा आपका, उसमें आपको यही काम करना है, पहले आपने सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम चेक कर लें कि माइनस टू पुट करें तो आंसर जीरो पर जीरो तो नहीं आता, नीचे माइनस टू पुट करें क्या आता है, थ्री प्लस सिक्स माइनस सिक्स माइनस टू वो आगे माइनस सेवन, तो इसका मतलब ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं कर रहे, तो इसमें हम लिमिट पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे ऊपर लेकर टू एक्स क्यूब प्लस फाइव नीचे लाते हैं, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे वो लिमिट अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं या जगह टू या जगह माइनस टू और क्यू प्लस फाइव नीचे क्या आ जाएगा थ्री माइनस टू और यह आ जाएगा माइनस टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस टू और क्यू को आ जाएगा माइनस एट, टू ये टू को आ गया सात प्लस फाइव नीचे आ जाएगा थ्री प्लस सिक्स थ्री माइनस सिक्स और माइनस टू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टू एट जार माइनस सिक्सटीन प्लस फाइव ओवर माइनस एट, तो यह आ जाएगा माइनस सिक्सटीन प्लस फाइव माइनस इलेवन डिवाइडेड बाय माइनस एट, तो माइनस माइनस से कैंसिल होकर तो बाकी आंसर आ जाएगा इलेवन, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर वन आपको डेट हो गया, इसके पार्ट आएगा वो आपने कर देना है। क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट लेक्चर।